कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद पूरे देश में गुस्सा है। झारखंड में भी डॉक्टर आंदोलन कर रही हैं। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि मरीजों का इलाज करना उनका फर्ज है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते पीड़िता के लिए वो इंसाफ चाहते हैं। हमारी जो है इस मूवमेंट के थ्रू ना सिर्फ जो है सरकार से कुछ डिमांड्स हैं, बल्कि जनता के प्रति जो संवेदनाएं हैं और जो समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है जो डॉक्टर, हम वो भूले नहीं हैं। हम आज के इस कैंप में, इस ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू लोगों को जो असुविधाएं होती है, लोगों को जो ब्लड की कमी का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसके लिए लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स उनके लिए संवेदनशील थे और हैं और आगे भी रहेंगे। यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम मरीज के हित में ही हमेशा से थे और डॉक्टर्स हमेशा से ही मरीज के लिए संवेदनशील रहे हैं, और इसीलिए आप देख सकेंगे कि इतनी तादाद में, इतने जोश में सभी बच्चे आए हैं, हम सब ब्लड डोनेट करने के लिए आगे बढ़ के आए हैं। डॉक्टरों का टारगेट 50 यूनिट से ज्यादा ब्लड कलेक्ट करना है ताकि हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो। हम लोग आरजीकर में जो इनह्यूमन ये इंसिडेंट हुआ है उसके लिए हम लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं थ्रू दिस ब्लड डोनेशन क्राइम, और हम लोग चाह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे। दिस ब्लड डोनेशन कैंप इज एक्चुअली इन सॉलिडेरिटी, आवर सॉलिडेरिटी टू द विक्टिम ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट्स। सो वी आर ट्राइंग टू शो आवर सॉलिडेरिटी, एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑल मीन्स द मिसमैनेजमेंट विच हैपेंड इन हैंडलिंग दिस केस फ्रॉम द पुलिस, फ्रॉम द आरजीकर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज वेल एज फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भरोसा दिया कि डॉक्टरों के काम पर वापस लौटने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बता दें, 9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिला था। मेडिकल रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि के बाद देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस से कई सवाल किए। CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।